नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करछि मु स्मृति लग्ना। जाजपुर बिंझारपुर ब्लॉक जरी पंचायत रे व्यापक अनियमितता सामना को आसीथिला, व्यापक दुर्नीति रो कथा सामना को आसीथिला। से आधार रे अभिजोख होइथिला एवं तदंत मध्य होइथिला। तदंत रे 3 जण सरकारी अधिकारी को निलंबित करा जाइछि, ए कथा आपण जानिछन्ते। किंतु साधारण रे प्रश्न उठुछि केवल कोन एते बड़ दुर्नीति रे 3 जणकर ही संप्रक्ति थिला, बाकी कोन विभागीय अधिकारी माने यहा बाबद रे अवगत नथिले। तेणु व्यापक परिमाण रे दुर्नीति होईची, कोठी ना कोठी अनेक जन को घंट खोड़ा जाउची, ए अभिजोग सामना को आसुची। मु कहि रखे पई चाहिबे जे 3 जन सरकारी अधिकारी को निलंबित करा जाइची। गत काली मध्य ए खबर आमे प्रकाश करथिलु। पीओ प्रकाश जेना, जीआरएस पार्थसारथी थाटोई, कनिष्ठ जंत्री तुषार पात्र को निलंबन करा जाइची। 3 जन को विरोध रे अनेक प्रकल्प नाम रे मिथ्या बिल करे सरकारी अनुदान हड़प करितबार अभिजोग आसीथिला। ए आधार रे तदंत होइथिला एवं एमानुकु निलंबित करा जाइछि। तथापि अंचल बासिंकर कहबा कथा, जाजपुर रे वर्ष वर्ष धरि व्यापक दुर्नीति होइछि। मनरेगा योजना रे कोन्तु बा अनेक योजना रे सरकारी टंका को हड़प करा जाइछि। जब भी कहे कंप्लेंट या किसी ग्रीवेंस पब्लिक साइड रो आसुची कि के स्कीम रे इरेगुलरिटी हला, तो से ऊपर हमर इंक्वायरी होची। ए तरे डीआरडी रे गोटे टीम इंक्वायर करितले, जरी पंचायत रे हमर किसी एरिया रे प्रॉब्लम बाडला, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो हेतले से भीतर किसी इरेगुलरिटी हम पाइलु। से बेसिस रे जो जीपी रे जो आपनकर पीओ और जीआरएस अछि तांको हम सस्पेंड कलु, और जो जेई इंचार्ज थिला तांको बेबे हम सस्पेंड कलु। फर्दर जो अछि एबे ड्यू कोर्स ऊपर फर्दर एक्शन हम नेबो। ए बाबद रे अधिक अधिक सूचना पाई परमेश्वर जाजपुर प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी होती। परमेश्वर, 3 जन को 3 जन सरकारी कर्मचारी जहाँ विरुद्ध अभियोग आसला से मानको निलंबित करा जाइछि। तथापि स्थानीय लोकों कहवा कथा, जेहेतु एत बड़ दुर्नीति वर्ष वर्ष धरी दुर्नीति होउछि, निश्चित भाव में अनेक जन एथिरे संप्रक्त अछन्ति, खोलताड़ करा जाउ, सेमानक मुह को मध्य सामना को अणा जाउ एवं सेमानक मध्य निलंबित करा जाउ। कोन अपडेट रहउछि भाई? भाई भाई सपड़ देखो, स्मृति लग्न जो जरी पंचायत कथा कहे, जो सीधा सड़क भाव में आम कहीपर जो मैंने से धारण में बसी मुख्य लोक रही भुवानंद सामल, सी आम सहित अच्छा दीर्घ 7 दिन धरिकी से जरी पंचायत कार्यालय सम्मुखें धारण में बसी एवं 3 जन जोबले सस्पेंड हेले से आज जिलापा अफिस् को आसीच्चे। आउ अनेक दुर्नीति अच्छी जहाँ संपर्क में मुँह खोलें देखिए, जो प्रकार भाव में 7 दिन धरिकी जरी पंचायत अफिस् सामने धारण में बसिले, तो कमी देखुंत आज आज मुझे खुशी व्यक्त करुचे। सम्मान्य जिलापाल महोदय आमर दाबी को सम्मान, सॉरी आमर दाबी को सम्मान जन जो 3 जन अधिकारी को सस्पेंड कर अधिकारी को मध्य अशोक नोटिस लगे, मनरेगा दुर्नीतिर जो विराट महाघोटाला होता जरी पंचायत श्रमिक मान को काम दिगला ना, अण श्रमिक खातार और सेना मिथ्या मस्टोल मेन्टेन कराए, कोटि कोटी टाँग हड़प करा से जीआरएस टू आरंभ करी ग्रामसाथी आरंभ करी पंचायत प्रतिनिधि टू आरंभ करी जेई एवं पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समस्ते दोष माने दुर्नीति सामिल। तेणु आज गोटे भाताहा गोटे भात को चेपिले जमी जमापड़ी विभिन्न पंचायत यही महाघोटाला तेणु यार अनुसंधान निरपेक्ष भाव कर जिलापा पर जो आशा भरोसा रखी सस्पेंड कर, तेणु यार आहरी तदंत अधिक करवा दरकार। जो मैंने दोषी सेमानक विरुद्ध रे फौजदारी मकदमा रुजु करा जाय, तंग जेल हाजत को पठेबा दरकार। एवं दुष्ट आपन को ए 3 जण ही केवल शामिल अछंती, अन्य माने केही शामिल नाहंती? बहुत चेर गभीर को जाय छी, बहुत चेर गभीर को जाय छी, एथरे संपृक्त वरिष्ठ अधिकारी माने बहुत संपृक्त अछंती। जो माने के अनुसंधान करू दबे दवा पई दिगहरा करिया पई सेमान अपप्रचेष्टा करूथले, अपचेष्टा करूथले मते जीवन रु मारि दवा पई मते धमक दउथले, अनशन किबले नय भंडुर करा जे सेति पई मध्य पूरा अमरसमा लागि पडिथले। किंतु जा हो जा हो जनसाधारण आशीर्वाद विभिन्न गणमाध्यम आपण माध्यम जो कथा जो भाव हाइलाइट है, यहाँ राज्य स्तर आरंभ करके जिला स्तर पर्यंत सब अधिकारी मैंने हृदबोध कले। 3 जणिया कमिटी जाते डीआरडी रू 3 जन अनुसंधान करदे और निश्चित भाव से जीरो ग्राउंड को जाकि जो अनुसंधान रिपोर्ट आने से रिपोर्ट को जिलापाल देलापर जिलापाल हृदबोध कले प्रकृत अन्याय कर दुर्नीति भ्रष्टाचार होती जरी पंचायत
एवं सेथिपाय से सस्पेंड कले आहुरी बहुत अधिकारी अच्छा जदि आहुरी तदंत कर तदंत चार पांचटी प्रकल्प केवल देखी जदि आहुरी बहुत पंचायत अच्छी बहुत ही अच्छी बैश लक्ष टा गच बैश टी प्रकल्प गोटे वर्ष भितर बैश लक्ष टा टोटाली गोटे पंचायत खाईगले कारण यह एक जन आंदोलन में परिणत है जो दुर्नीति जो अनियमितता करते लोक मैंने निजर स्वर को शाणित कले से प्रशासन उपर चाप पड़ा तीन जन निलंबित है जहाँ सूचना रही आम पाखे 2018 रु 2022 2021 टोटाल 22 टी प्रकल्प एभली घोटाला होई वर्तमान समय आहुरी तथ्य आसुच्छी जे केवल 22 नुह अनेक काम रही अनेक योजना रही जोठी हेरफेर करा जाई जोठी घोटाला एवं गफलाती करा जाई छी साधारण लोक कौन प्रतिक्रिया रखंती निश्चित भाव रे जाजपुर जिला रे प्रत्येक काम देखिए घोटाला रोचे जो 22 टी प्रकल्प कथा कहूँ अनेक प्रकल्प रही वर्तमान सुधा अधा पंतरे आई पड़ी है तार बिल होती आम सहित आरटीआई कर्मी रही आम सहित आलोचना करवा देखिए जाजपुर जिले में अनेक समय अनेक घोटाला सामना को आसी ये जमी तीन जन को सस्पेंड कराला सीमित रखाला और जो कथ भुवानंद सामल कहते वरिष्ठ अधिकारी आदेश सामिल अच्छा तो पूरा घटना को देखने आप कमी देखुं देखु महामारी कोरोना समय रे जेतेबेले प्रवासी श्रमिक माने गाँ को फेरिले गाँव में प्रधानमंत्री से श्रमिक माने काम करिबे गाँव आर्थिक अवस्था उजुड़ी न जाऊ गाँव आर्थिक अवस्था स्थिर रहू गाँव आर्थिक अवस्था उन्नति घटू से लगी प्रधानमंत्री हजार हजार कोटी टंकार एनआरईजीएस काम गाँ को पठैले ये जो विजु जनता दल कर्मी माने गाँव में माँ को सम्मान गाँ को काम ना जो नारा दौले तार विपरीत से कम कले कोटी कोटी टंकार मनरेगा योजनार काम को सुधा गोटे बुंदा मटी पकईना फल्स बिल करगले जहाँ कहते भुवनंद सामल जरी पंचायत कथा जी जाजपुर जिलार 311 पंचायत को आपड़ देखिए अनुधान करेंगे तदंत करेंगे सबूजाक एनआरईजीएस प्रोजेक्ट दुर्नीति भरपूर हो सबू पंचायत सरपंच पीओ भीएलडब्ल्यू विजु जनता दल कर्मी माने ये लूट रे सामिल अच्छा आपण जदि देखिए कटिकटा पंचायत दुई दुईटा प्रकल्प आम उदाहरण जिलापाल तदंत करने से बीहपुर प्राथमिक विद्यालय पड़िया उन्नतीकरण कथा हो कटिकटा कोऑपरेटिव सोसाइटी पड़िया उन्नतीकरण कथा हो गोटे ड्रॉप माटी पड़ी नहीं किंतु 2 लाख लेखा बिल हो जाए बिंझारपुर प्रतिनिधि गुल्लबाज वर्तमान समय सहित जोड़ी होती गुल्लबाज सब घोटाला सब गफलाती कौन केवल तल स्तर कर्मचारी करपर अफिसर मान कौन स्वच्छ कारण प्रत्येक घटन प्रत्येक दुर्नीति आम देखु केवल छोट मई जाल पड़ुं बड़ मसी जा देखु सब बड़ कथा हूँ बिंझारपुर समग्र बिंझारपुर दुर्नीति जिते बड़े कथा उठे बिंझारपुर कथा प्रथम उठे केवल जरी पंचायत ना जो दुर्नीति अन्य पंचायत बांगर पंचायत से कनिष्ठ जंत्री तुषार पात्र से पंचायत भी स्थानीय लोक मैंने दावी कर पंचायत भी तदंत कर पंचायत दुर्नीति ग्रामवासी मैंने अभियोग कर सीधा सड़क आपको एक जनवे आम पाखे बीजेपी महिला मोर्चार सभानेत्री बबिता मल्लिक आम पाखे उपस्थित होते सहित सीधा सड़क आलोचना करा कौन कह मंत्य कौन रही प्रथम धन्यवाद देवी जाजपुर जिला जिलापाल सी गोटे निष्पत्ति नले भुवनानंद सामल जो जरी पंचायत अनशन बस थे एनआरजीएस काम तदंत जो मानने जो मूल्या श्रेणी लोक साधारण लोक जो पैसा आसे जब कार्ड रैसा को मेसीन द्वारा कम कर गरीब लोक पेट को लात मारी तार तदंत कर जिलापाल जे पूरा देले राय देखते आने जेई आउ जे भीएलडब्ल्यू आउ जे जीआरएस एम को सस्पेंड करेणु ये हूँ गोटे नमूना गोटे भात हाँ गोटे भात को चिपिबा भाया तेणु जदि समग्र बिंझारपुर ब्लॉक को तदंत परिसरभुक्त कराए ताहले विभिन्न काम दुर्नीति करथिबा अफिसर माने ये तदंत परिसरभुक्त हेबे तेणु मु जिलापाल निवेदन करी जे समस्त पंचायत को तदंत परिसरभुक्त करंतु आ तदंत करी जो माने अछंती अधिकारी
ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ହଉ ଆଉ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। निश्चित भाव में आपने जहाँ शुणुते आम महिला मोर्चार सभानेत्री बबिता मल्लिक थे सीता कथा रखुते कि केवल गोटे पंचायत नहीं सब पंचायत को तदंत करा कार्यानुषान ग्रहण निश्चित भाव परमेश्वर पाक फेर चाहिए परमेश्वर बर्तमान साधारण दावी होजपुर वर्ष वर्ष धरी अनेक दुर्नीति पदा को आसी पारिना प्रत्येक क्षेत्र में घोटालार तदंत कारण ये भात हांडी गोटे भात चिपिबा सदृश एमती अनेक कथा सामना को आसिबो जदि तदंत को आहुरी अधिक व्यापक करा जिवो। निश्चित स्मृति लग्न जदि देखिए जदि जो कथा रोची जो प्रकार भाव में जाजपुर जिले में दुर्नीति एनआरजीएस काम कतु आरंभ कर प्रत्येक दुर्नीति कथा कहतु तो आधे आधिक कार्यानुष्ठान आवश्यकता कर देखु आज्ञा बड़ स्पष्ट भाव ये कथा को मुझे रखा चाहिए मान्यवर ओडिशार मुख्यमंत्री सब बेले गोटे कथा को आखि आगे आणती जदि कौन जगार कौन कथा है जो दुर्नीर दुर्नीतिर कथा उठे से मुख्यमंत्री सब बेले कहते आईन टेक इट्स ओन रेस्पोनसबिलिटी जदि वास्तविक आईन उपर आपर एत भरोसा अच्छी आईन तार निज रेस्पोनसबिलिटी नहीं पार बोली आप भावुं वास्तव सत्यर ताल निश्चित भाव ओडिशार आज जो भली जो जो घटना घटू ये खाली पंचायत रु विधानसभा पर्यंत नुह एथिरे समस्त विभाग संश्लिष्टता रोची एथिरे जदि वास्तव आईन की ता रेस्पोनसबिलिटी नवा कथा मुख्यमंत्री चाहू था ताले निश्चित ये सब कथा को तुरंत सीबीआई को हस्तांतर करने दरकार एवं सीबीआई तार उचित तदंत कर तार ओडिशावासी को ये आईन कौन आईनटा केते दूर कम करे से कथा सी जनवा दरकार तो मुख्यमंत्री देखिए केमती देखुं आज ये जो घटना को कमी देखते हैं जाजपुर जिले में दिनक दिन दुर्नीति बढ़ी चलू मुह खोल लोक मैंने धारणा बसले आक्रमण करथापि से घटना सत्यासत्य कहु तो कौटिना कौटि सरकारी अधिकारी मानक निजे कर्म जिलापाल निलंबित कर जाजपुर जिलार समस्त ब्लॉक रे मनरेगा योजन व्यापक भाव हरलुट होती जो 2005 मसीह तत्कालीन केन्द्र सरकार यूपीए सरकार समय रे जो ये आईन प्रणयन है जे प्रत्येक अणकुशी श्रमिक मानू 100 दिन काम मिल किंतु 100 दिन काम मिलूनी एवं अधे जॉब कार्ड श्रमिक मान जो सरपंच पाखे रोचे प्रकृत हिताधिकारी जी कार्य करने निजुक्ति श्रमिक जी जो श्रमिक जो मैंने अणकुशी श्रमिक से पाखे जॉब कार्ड ना जॉब कार्ड एवं भी रोज सरपंच पाखे आगे कौन सी कम मास्टर रोल भी होने मास्टर रोल कौन सी कम कौन प्रोजेक्ट रे मनरेगा योजन जितक कम हो पोखरी खोलू आरंभ करी आपण प्लांटेसन पर्यंत कौन सी योजन कौन सी योजन आपणकर सरपंच सरपंच रोच डायरेक्ट कनेक्शन रोच दुर्नीति डायरेक्ट कनेक्शन रोच जॉब कार्ड सरपंच पाखे रोच कौन कार्य मास्टर रोल प्रस्तुत हो परमेश्वर जदि एते अभियोग सामना को आसुची को टंका कोठी खर्च करा गला से तथ्य सार्वजनिक करा जाउ निहाती भाव में देखु जदि सरकार जो केंद्र सरकार राज्य सरकार जो पैसा दि जाऊँगी गाँ मानक खर्च होता कहीं सार्वजनीन करा कहीं लोकलोचक अना जाऊनी गोटे सीमित रखा जाफल कौटी दुर्नीति होती जना पड़नी यापर राज्य सरकार हूँ जिला प्रशासन हूँ कौन कार्यानुषान आवश्यकता रही कि देखु आज्ञा मुझे पूर्व अलरेडी कही सारी आपन को एक बार बार सब गणमाध्यम कहूँ एटी तोर मोर अधा अधा सलासूत्रा राजनीति चली विजु जनता दल केवल लुटी खाइबा आपण प्रत्येक पंचायत रे देखंतु जो माने भी एठी राजनेता होचंदि जो माने समाजसेवी निजुक कुहाउचंदि से माने समस्त ठिकादार तो ठिकादार आउ प्रशासन भितर जो मधुचंद्रिका ये सब पंचायत रु आरंभ करी विधानसभा पर्यंत सब जगार जलजल हो देखाउची मु प्रता पूर्वर कहली आपनकु जदि वास्तविक मुख्यमंत्री आग्रह अच्छी आईन टेक ए ओन रेस्पोनसबिलिटी ताले तुरंत प्रत्येक कथ को सीबीआई दिंतु ये छोटिया छोटिया चिंगुड़ी माछ भाया ये दंडकुरी माछ को सस्पेंड करदे क्या गोटे आउ कौटे एक्शन नहीं जावा ये कथा किसी मतलब ना ये 5T पर्यंत समस्ते आदि इनवल्व जदि तल ऊपर पर्यंत इनवल्व न था राजनीति चली अधा कहीं गिरफ्त होधा जो अभियोग आई खसी जा कौ आधार रे चयन करा जाउछि जे किए धरा पड़े एवं किए खसी जिबे अरे कोरोना नारे
ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି, ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ କରାଯାଉନି, ସିବିଆଇକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା କହିଲି, 5T ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ୟା ଦେହରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାରେ ରହୁଛି। ଏ କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଏ ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏସବୁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ଯଦି କେବଳ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେବଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ କି ସୀମିତ ରଖାଯାଏ, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବି ବୋଧେ ଓହ୍ଲାଇବ। କେବଳ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆବାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରକାରୀ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଟିଏ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଲାସୁତରା କରି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନାକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନିଲମ୍ବନ, ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାଣିତ ହେଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଗ ହେଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କାହା ପାଇଁ କେତେ କରୁଛି। ଓକେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଫେରିବା ଗୁଲାବ ନବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଲାବ ନବୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଗୁଲାବ ନବୀ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି, କେବଳ 3 ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ କେବଳ ଜରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଜଣେ ବାଙ୍ଗାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁଷାର ପାତ୍ର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ତାକୁ କେବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା କରିବା, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍ଗାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତୁଷାର ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ବି ସେ ଏରିଆରେ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଏରିଆରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍ଗାର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଜରିଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ପନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ବାଙ୍ଗାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଙ୍ଗରା ନୋଡାଲି ସ୍କୁଲ, ସେଠି 14 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଘରଟି ହେଇଛି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଫଲ୍ସ କରିକି 1,48,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଫଲ୍ସ କରିଦିଆହେଇଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସେ ଧରଣର ସରକାରୀ ଭାବରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏରିଆର କୌଣସି ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆର ଫଲ୍ସ ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡୁଆଳ ସାହି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ ହେଇଛି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଖାଲି ଜରି ନୁହେଁ, ବାଙ୍ଗରାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ହଉ। ବାଙ୍ଗରାର ସମସ୍ତ ମୋ ପୋଖରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆଉ ଫଲ୍ସ ପଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜର୍ସରେ ଯେଉଁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଇ ଆର ସତ୍ୟତା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଫଲ୍ସ ଉପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର PDଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଲା ପରେ ଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର ଯଦି ତଦନ୍ତ ନହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବାକୁ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଓକେ, ଗୁଲସନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ମନରେଗା ଯୋଜନା, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଇନସାଫି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେଣି କି, ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି?
ସେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଏବଂ ଅମର ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମରଣ ଅନଶନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାନଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଲସନ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଯାଜପୁର ରିପୋର୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ସମୟ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ନମସ୍କାର।